पार्षद और एमआईसी मेंबर गुलाम हुसैन पर लगाए जा रहे आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी शहीद अब्दुल हमीद मंडल के कार्यकर्ता एक बार फिर महापौर को ज्ञापन देने पहुंचे। इस ज्ञापन को देने से पहले मंडल के सभी सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। उसके बाद महापौर को ज्ञापन देते हुए इस मामले में जांच और गुलाम हुसैन को एमआईसी मेंबर से हटाने की मांग की। बताया गया है कि मंडल के सदस्यों ने अगस्त माह में भी इसी संबंध में महापौर को ज्ञापन दिया था और दोबारा इस ज्ञापन को देते हुए उन्होंने इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस ज्ञापन को स्वीकार करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। भाजपा प्रतिनिधि मंडल इसके पहले भी एक ज्ञापन लेके आए थे, जिसमें जो हमारे एमआईसी सदस्य हैं गुलाम जी के खिलाफ, उनका ऐसा कहना है कि जो उन्होंने सड़कें बनाई थी वो दो दो बार स्वीकृत हैं अलग अलग मत से, तो उसमें उनके हिसाब से उसमें गड़बड़ियां की गई हैं। उसकी जांच के लिए हम लोगों ने पहले ही अधिकारियों को दे चुके हैं, उसकी जांच में क्या स्थिति है उसकी जानकारी ले ली जाएगी। आज उनने फिर हम लोगों को उस बात के लिए, हमने 17 अगस्त को महापौर जी को एक भ्रष्टाचार के संबंध में एक आवेदन दिया था, पार्षद गुलाम हुसैन जो वर्तमान में एमआईसी सदस्य भी हैं, उसकी जांच के लिए महापौर जी ने हमसे समय मांगा था। 3 महीने होने के बाद भी अभी तक उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, इसको लेकर पुनः हमने जो है महापौर कार्यालय का घेराव करके और उनको आवेदन फिर दिया है।